लगाई फटकार तो एक्टिव हुए मोहन यादव के मंत्री। ऐसा क्या हुआ जो सिंधिया को आ गया गुस्सा, एक आदेश पर ही बन गया काम। मध्य प्रदेश के गुना से सांसद और केंद्र में दूसरी बार मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी कैबिनेट में दोबारा जगह मिलने के बाद सिंधिया की पावर और भी ज्यादा दोगुनी हो गई है। वहीं सिंधिया साहब का आत्मविश्वास और राज्य में धौंस दोनों ही बढ़ गए हैं। पहले एमपी में जिस सिंधिया की पूछ सिर्फ ग्वालियर तक थी, अब वो एमपी बीजेपी की जरूरत बन गई है। केंद्र से लेकर राज्य की राजनीति में सिंधिया साहब एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि सिंधिया ने मोहन यादव के मंत्री की क्लास लगा दी और क्लास भी ऐसी कि तुरंत मंत्री साहब ने एक्शन लेते हुए अधिकारियों को चेतावनी दे दी। पूरा मामला क्या है आपको भी विस्तार से बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में बढ़ती गर्मी के चलते तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। अशोक नगर में भी लगातार बिजली कटौती हो रही थी, जिसकी भनक क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगी। सिंधिया ने तुरंत मोहन यादव के ऊर्जा मंत्री को फोन लगा दिया। इसकी जानकारी राज्य के ऊर्जा मंत्री को दी गई, जिसके बाद आनन फानन में मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर अशोक नगर पहुंचे और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ तुरंत बैठक कर डाली। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान थे। कई लोगों का कहना था कि शिकायत के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, लेकिन जैसे ही खबर सिंधिया तक पहुंची, उन्होंने आव देखा न ताव देखा, तुरंत मोहन यादव के ऊर्जा मंत्री को लपेटे में ले लिया। इसका असर कुछ ऐसा हुआ कि समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय मंत्री सिंधिया के एक निर्देश पर ऊर्जा मंत्री मीटिंग लेने के लिए दौड़ चले आए। मामला मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले का है, जहां पिछले कई दिनों से शहर में घंटे तक बिजली कटौती हो रही थी, जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक करने के लिए अशोकनगर जा पहुंचे। इतना ही नहीं, तोमर इतने ज्यादा एक्टिव हो गए कि उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक के तुरंत बाद फटकार भी लगा दी। बताया जा रहा है कि अधिकारी कार्यकर्ताओं का फोन तक नहीं उठाते थे। तोमर ने मीटिंग में अधिकारियों को हड़काया, कार्यकर्ताओं के फोन न उठाने और शिकायत मिलने पर विद्युत विभाग के अधिकारियों की बंद कमरे में खूब फटकार लगाई। शिकायत मिलने पर विद्युत विभाग के अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा, बिजली की समस्या को लेकर बैठक थी, समीक्षा बैठक में जो कमियां थी ठीक करने के निर्देश दिए गए और जो भी अधिकारी फोन नहीं उठाते उनका एक एग्रीमेंट डाउन करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि तोमर सिंधिया के काफी करीबी माने जाते हैं, यहां तक कि वो कई मौकों पर महाराज के पैर छूते हुए भी नजर आए थे और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। लेकिन यादव के मंत्री को इस तरीके से हड़काना शायद मोहन यादव को पसंद नहीं आएगा, ये कहा नहीं जा सकता। वैसे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।